नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में रात को बारिश हुई है और उससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि किसानों और बागवानों को तो उस बारिश का इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बारिश थोड़ी देर के लिए हुई लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हुई है जिस तरह की इस वक्त ज़रूरत है। हालांकि आसमान पर बादल छाए हुए हैं और संभावना है कि आज बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तो पहले ही बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, लेकिन प्रदेश की स्थिति मौसम विभाग के अलर्ट से बिल्कुल उल्ट बनी हुई है। सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं और यदि हम बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 1 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई के बीच में सामान्य से करीब 76% कम बारिश, सॉरी सामान्य से करीब 31% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। बारिश हो रही है लेकिन थोड़ी देर के लिए हो रही है। और राजेश रेखा जी हमारे को भी बता रहे हैं कि आज बारिश हुई है कई जगहों पर, ये रात को जिस तरह से सोलन में भी रात को बारिश हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें देख रहे हैं। बीच बीच में पानी जमा भी हुआ है और सड़क काफ़ी गीली भी है और उससे बारिश से थोड़ी राहत गर्मी से जरूर मिली, क्योंकि तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। गर्मी एक बार फिर से पड़नी शुरू हो गई थी, उमस भरी गर्मी थी जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। यदि 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 31% कम बारिश हुई है। बिलासपुर में 24, चंबा में 37, हमीरपुर में 24, कांगड़ा में सामान्य से 3% अधिक बारिश हुई है पिछले 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में, क्योंकि कांगड़ा में जुलाई के प्रथम सप्ताह में जमकर बारिश हुई थी। तो यही वजह है कि कांगड़ा का जो आंकड़ा 18 दिनों का है वो थोड़ा सामान्य से अधिक बारिश का है, लेकिन जब हम पिछले एक सप्ताह की बारिश देखेंगे तो यह आंकड़ा नॉर्मल से कम बारिश का हो जाएगा। और कांगड़ा में सामान्य से 3% अधिक बारिश हुई है, किन्नौर में 34% अधिक बारिश हुई है, कुल्लू में 34% कम बारिश हुई है, लाहौल स्पीति में 87% कम बारिश हुई है, मंडी में भी सामान्य से 3% अधिक बारिश हुई है। वजह सिर्फ यही है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंडी में जमकर मेघ बरसे थे। शिमला में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है पिछले 18 दिनों में, सिरमौर में सामान्य से 65% कम बारिश हुई है, सोलन में सामान्य से 48% कम बारिश हुई है और ऊना में 47% कम बारिश हुई है पिछले 18 दिनों में सामान्य से। यदि हम यही आंकड़े देखें तो सोलन सब्जी मंडी में से के पास से हम लाइव जुड़े हैं और यदि हम यही आंकड़े पिछले एक सप्ताह के देखें 11 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई के बीच में, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 76% कम बारिश हुई है। यानी 18 दिनों में जो 31% का सामान्य से कम फीसदी का आंकड़ा था वो एक सप्ताह में पिछले बढ़कर अब 76% हो गया। हालांकि कल भी प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश परसों रात को हुई है, तो उसका कई कारण है कि जो एक सप्ताह से आंकड़ा जो बढ़कर 80% से ऊपर आ रहा था अब वो 76% तक आ रहा है। बिलासपुर की बात करें तो पिछले 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में बिलासपुर में सामान्य से करीब 63% कम बारिश हुई है। बिलासपुर के बाद चंबा है जहां पर 86% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है, हमीरपुर में 94%, हमीरपुर में बहुत कम बारिश हुई है पिछले एक सप्ताह में 94%, कांगड़ा में जिस तरह से हम 18 दिन के आंकड़े कांगड़ा के दे रहे थे जहां पर सामान्य से 3% अधिक बारिश हो रही थी, वही बारिश अब एक सप्ताह में पिछले एक सप्ताह में कांगड़ा में सामान्य से करीब 94% कम बारिश हुई है, कांगड़ा में 50 सामान्य से करीब 50% कम बारिश हुई है, किन्नौर में 65, कुल्लू में 82, लाहौल स्पीति में 94, मंडी में 75, शिमला में 94, सिरमौर में 86 और सोलन में 93% कम बारिश हुई है पिछले एक सप्ताह में।
और ऊना में सामान्य से करीब 46% कम बारिश हुई है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में पिछले 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में 60.7 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता था, लेकिन जबकि हुई हिमाचल प्रदेश में 14.5 मिलीलीटर बारिश है, जो सामान्य से करीब 76% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह की स्थितियाँ जो आंकड़े हैं वो साफ बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है, उनकी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि टमाटर का रेट अब किसानों को मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अब वो टमाटर फटना शुरू हो गया है। वजह है कि सूखे से सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है और उसकी वजह से टमाटर फटना शुरू हो गया। कुछ जगहों पर बारिश जमकर हो रही है तो उसके कारण भी टमाटर फट रहा है। और यही वजह है कि कल जिस तरह से हमने बताया था कि किसानों ने बीज को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, क्योंकि बीज इस तरह का तैयार हो रहा है कि जो ना अधिक बारिश का मुकाबला कर पा रहा है और ना सूखे जैसे हालात जब तापमान बढ़ता है तो उसका सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बागवान परेशान है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 जून से लेकर 18 जुलाई के बीच में सामान्य से करीब 41% कम बारिश हुई है। बिलासपुर में यह आंकड़ा 37 का है, चंबा में 50 का है जो सामान्य से कम बारिश हुई है, हमीरपुर में सामान्य से 41%, कांगड़ा में सामान्य से 23%, किन्नौर में सामान्य से 49%, कुल्लू में सामान्य से 40%, लाहौल स्पीति में सामान्य से 71%, मंडी में सामान्य से 25% कम, शिमला में 20, सिरमौर में 61, सोलन में 42 और ऊना में 47% कम बारिश हुई है 1 जून से लेकर और 18 जुलाई के बीच में, यानी पिछले 1.5 महीने से अधिक समय में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। और यही कारण है कि प्रदेश में हम कह रहे हैं कि सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गए हैं। हालांकि मौसम विभाग द्वारा अब अलर्ट जारी किए गए हैं और हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट के ऊपर लोगों को अब थोड़ा विश्वास कम रहा है। वजह है कि बार बार मौसम विभाग के अलर्ट आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मानसून जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल धीमा पड़ा हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 21 जुलाई के लिए बीते 1.5 सप्ताह में पहली बार ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, तो उससे उम्मीद थोड़ी बंधी है कि शायद बारिश हो। और प्रशासन द्वारा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से पर्यटकों से सावधानी बरतने की एडवाइजरी भी जारी की है कि नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं, आसपास ना जाएं। 19 से 24 जुलाई के बीच में, यानी आज से और 24 जुलाई तक मौसम हिमाचल प्रदेश में ख़राब रहेगा। सोलन में हालांकि बारिश हुई है और सिरमौर के राजगढ़ की भी रिपोर्ट आई है तो उसमें वहां भी बारिश हुई है। और रविवार को जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी के लिए यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 4 जिले हैं जहाँ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिला। बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। 2023 में 9 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में 228 मिलीलीटर बारिश हुई थी, वो दौर था जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दिन चले थे। इस साल 18 दिन में 141.8 मिलीलीटर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक ही दिन में 9 जुलाई को 228 मिलीलीटर बारिश हो गई थी और इस बार 1 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक 141.8 मिलीलीटर बरसात ही हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून कितना ज़्यादा रूठा हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। प्रदेश में तापमान में लगातार उछाल अब हो रहा है और औसत अधिकतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस अब ज़्यादा हो गया है। प्रदेश के कई शहरों में नॉर्मल जो तापमान है नॉर्मल से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर इस वक्त चला हुआ है। भुंतर में तापमान सबसे अधिक 36, बिलासपुर में तापमान सबसे अधिक है 37.9 है, नॉर्मल से 5.5 डिग्री सेल्सियस का उसमें उछाल आया। भुंतर में 36.2 है, हमीरपुर में
अधिकतम तापमान 36.2 है। मनाली में भी तापमान बढ़ गया है, वहाँ पर 28.5 है। शिमला में 26.2 है। सुंदरनगर का 3.6 नॉर्मल से अधिक तापमान चला हुआ है, यानी 34.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई को जिस तरह का हमने आपको आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 9 जुलाई को पिछले 9 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश में 228 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन अभी तक 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में 141.8 मिलीलीटर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश लगातार हो रही है। यदि हम 1 जून से लेकर 18 जून की बात करें, 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की बात करें, या फिर 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। सूखे जैसे हालात प्रदेश में बने हुए हैं। हालांकि सोलन में रात को बारिश हुई है, उससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन किसानों को या फसलों को कोई ज़्यादा लाभ तो नहीं मिला है, क्योंकि बारिश थोड़ी देर के लिए हुई है। और बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आशु जी बता रहे हैं कि सिराज में मंडी के मौसम साफ है। संग्राम घारू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जितेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि सुन्नी जिला शिमला में 1 बजे से लेकर अचानक बारिश हुई है 5 बजे तक। कुछ जगहों पर बारिश हुई है, सिरमा और लालाचित्ता में भी बारिश हुई है। सुशील चौहान जी की तरफ से जानकारी आई है। MR भारद्वाज जी जुड़े, किशोरी लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। सिरसा के हरियाणा में मौसम साफ है, सोनू जॉनसन जी की तरफ से जानकारी आई है। संजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, तेन सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए सोलन से, उनका भी स्वागत है। कुल्लू में सूखे से बुरा हाल है, अजय ठाकुर जी की तरफ से जानकारी। रमेश ठाकुर जी, सोनू जॉनसन जी जुड़े हैं। संतोष शर्मा जी, कुशल शर्मा जी बता रहे हैं कि रामपुर शहर में भी बारिश हुई है। और चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, मैं पहले। और विनय कुमार जी, बिल्कुल सही कहा था आपने। मीरा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। भेत सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बलदेव राणा जी का स्वागत है। हरी राणा जी, ऊना में कल बारिश हुई है हमारे ऊना में। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि डुमहर में भी हल्की बारिश हुई है। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम विभाग की ओर से संडे के लिए बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है। और बाकी ज़िलों के लिए तो येलो अलर्ट है। राज कुमार जी बता रहे हैं कि डलहौजी में आज मौसम साफ है, डलहौजी की जानकारी दे रहे हैं। और इंदु अंजरानी जी शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। रमेश कुमार जी का स्वागत है। नरेंद्र सिंह राठौर जी, राजगढ़ के फागू में बारिश हुई है, राजेश रेखा जी की तरफ से जानकारी आई है। भूपेश पलसारा जी बता रहे हैं रामपुर शहर में भी बारिश हो रही है, रामपुर शहर में। ओमदास जी बता रहे हैं कि कुल्लू में कब बारिश होगी। कुल्लू में हालांकि मौसम विभाग का तो आज से बारिश का अलर्ट है, लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और संडे को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए, तो उम्मीद करते हैं कि इस दौरान बारिश हो। लेकिन प्रदेश में सूखे जैसे हालात अब बने हुए हैं और मौसम विभाग की भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के अलर्ट या फिर मौसम से संबंधित पूर्वानुमान जारी किए जाए, क्योंकि जब भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहे हैं तो उस दौरान बारिश नहीं हो रही है। और यही वजह है कि लोगों को का विश्वास जो विभाग के ऊपर है अब थोड़ा उठता जा रहा, कम हो रहा है। आज रात को बारिश हुई है, राजेश रेखा जी बता रहे हैं। भूपेश पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश रेखा जी का स्वागत। भीम सिंह जी का स्वागत है। और मनीष ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। नौराधार में भी बहुत बारिश हुई है, मनीष राजपूत जी की तरफ से जानकारी आई है। अंकित जी बता रहे हैं कि बिल्कुल साफ मौसम बिलासपुर का है। रमेश ठाकुर जी, रिंकू चौधरी जी, सुभाष सैनी जी, कुमार सैन में कोई बारिश नहीं हुई है। अनिल वर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। हमीरपुर में मौसम साफ है, बिल्कुल हमीरपुर में तो पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 94% कम बारिश हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हमीरपुर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही पूरे ज़िला में। बलबीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से उनका स्वागत है। शिलाई में बादल छाए हुए हैं, तो सुनील ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। रिंकू चौधरी जी, प्रेम चौहान जी, बॉक्सर अमन जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और जसवंत सिंह जी का स्वागत है। दिलाराम जी बता रहे हैं कि मनाली से जुड़े हैं, हल्की बारिश हुई है। टमाटर का क्या रेट है? कल 1400 रुपये था कल टमाटर का रेट और मैक्सिमम, और यदि हम हिमसोना की बात करें तो 1100 से 1400 रुपये के बीच में, और हाईब्रिड 800 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक बिका था। और सुरीत चौहान जी जुड़े हैं, बारिश सराह में भी हुई है।
नौलाधार में बारिश हुई है। मनीष राजपूत की जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है और आप लोगों के जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी आ रही है। बक्सरहेड में भी बारिश हो रही है। ठाकुर खेमराज जी की तरफ से जानकारी है। सुरेश शर्मा जी, नाड़गढ़ में बादल है। जसवंत सिंह जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है। दीपक शर्मा जी आए हैं, अंकित जी का स्वागत है। और विनोद हापू जी, रोड़ू कोटखाई में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और रोड़ू और कोटखाई की वो जानकारी दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और प्रदेश में टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, बंद गोभी, मक्की और फ्रासबीन इस वक्त सूखे की मार इन फसलों के ऊपर हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। और मौसम विभाग की ओर से रविवार को ऑरेंज अलर्ट 4 जिलों में जारी किया गया है। चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिला है। बाकी जिले यदि हम बात करें कुल किन्नौर और लाहौल स्पीति की, तो वहाँ के लिए कोई अलर्ट नहीं है। बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से 21 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। रवि शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 दिनों में सामान्य से करीब 31% कम बारिश हुई है और एक सप्ताह की बात करें तो सामान्य से करीब 74% कम बारिश हुई है। और एक जून से लेकर 18 जुलाई की बात करें तो एक सप्ताह में 76% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और राजीव गुप्ता जी जुड़े हैं, चौपाल में कोई बारिश नहीं है। राजपूत रज्जी जी बता रहे हैं। और बीज का लहसुन 140 रुपए से लेकर 165 महंगा होने लग गया है। रमजान परलोटा जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और दिल्ली में भी बारिश, पूरे नॉर्थ इंडिया में इस वक्त देखा जाए तो सूखा पड़ रहा है और बारिश जो हो भी है वो भी कोई ज़्यादा नहीं हो रही है। आज अब की बार से मौसम विभाग का येलो अलर्ट फ्लॉप होगा, वो तो हो ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है अंकित जी। और राजगढ़ में भी बारिश हुई है। कुलदीप कुमार जी की तरफ की जानकारी है, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ गई, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जय शूलनी माता। और बलबीर सिंह जी का स्वागत है जो हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को जमकर मेघ बरसे हैं, उससे गर्मी से राहत मिली है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यदि नकदी फसलों की बात करें, चाहे मटर है, टमाटर है, गोभी है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है, फ्रासबीन है, इन फसलों को, धनिया है, इन फसलों को सूखे की मार पड़ रही है और क्वालिटी भी अब प्रभावित होने लगी है। क्योंकि रेट मंडियों में अच्छे हैं लेकिन क्वालिटी प्रभावित होने की वजह से किसान जिस रेट का हकदार है वो नहीं मिला। यदि कोई टमाटर 1200 रुपए के आसपास बिक रहा है तो सूखे की मार की वजह से जो टमाटर फटा हुआ 400 रुपए बिक रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 700 से 800 रुपए प्रति क्रेट नुकसान किसानों को हो रहा है। ज्यादा नहीं तो आधे का ही नुकसान किसानों को हो रहा है। तो ये वजह है मौसम की। यदि हम मौसम विभाग की माने तो 21 जुलाई को मौसम विभाग की ओर से, हालांकि आज से मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश का है, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई भी है, लेकिन 21 जुलाई को पहली बार मौसम विभाग द्वारा करीब एक सप्ताह बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया 4 जिलों में, जिसमें चंबा है और कांगड़ा है और मंडी है और बिलासपुर है, जहां पर भारी बारिश की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है, बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात, बारिश की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में सामान्य से करीब 74% कम बारिश हुई है। 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 31% कम बारिश हुई है और 1 जून से लेकर 18 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में 41% कम बारिश हुई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सामान्य से 31, 41 और 74% बारिश हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह में, 15 दिन में और 1.5 महीने से अधिक समय में हुई है। तो सूखा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रहा है, बारिश नामात्र की हो रही है। पिछली बार 9 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में करीब 228 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जबकि 1 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 141 मिलीलीटर बारिश हुई है। एक दिन में ही
एक दिन में ही हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष इतनी बारिश हो गई थी जो 18 दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। और यह स्थिति किसानों के लिए, बागवानों के लिए और आम लोगों के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। हालांकि बारिश जो रात को सोलन में भी हुई है, सुबह के वक्त 4 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी, 5 बजे तक बारिश हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हालांकि हल्की बारिश हुई कई जगहों पर तो बिल्कुल ही कम हुई है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से बार बार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो फ्लॉप साबित हो रहे हैं। उनके ऊपर लोगों को भी विश्वास कम हो गया है और सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में हैं। पहली बार इस बार ऐसा मौसम देखने को मिला है। पिछली बार मेघ बरस रहे थे, इस बार सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम देखें कि सोलन की तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। हालांकि हल्की बारिश सोलन में हुई और कई दिनों बाद सोलन में बारिश हुई है, क्योंकि सोलन का यदि हम पिछले एक सप्ताह की भी बात करें तो सोलन में सामान्य से बहुत कम बारिश सोलन में इस बार हुई है। विशेषकर शहर की बात करें और जो ग्रामीण क्षेत्र सोलन के हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। सूखे की स्थिति वहाँ पर भी बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश में जहाँ एक सप्ताह में सामान्य से 76% कम बारिश हुई है, तो सोलन में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 93% कम बारिश हुई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह सोलन में पूरा सूखे में ही निकल गया है। और हमीरपुर में 94 है तो सोलन में 93% कम बारिश हुई है। इसी तरह की 94 शिमला में भी हुई है कि 94% कम बारिश सामान्य से करीब सोलन में देखने को मिली है। सिरमौर में की बात करें तो वहाँ पर भी सामान्य से करीब 86% कम बारिश एक सप्ताह में हुई है। अजय रत्रा जी बता रहे हैं कि धर्मशाला में कोई बारिश नहीं। कपिल चौहान जी और त्यागी जी, अश्विनी दीवान जी, सभी का स्वागत है। अंकित जी, पानी तक बिल्कुल सही जी। अंकित जी आपकी चिंता, गुलाब तुरी जी जुड़े हैं, करसोग में भी बारिश हो रही है। ठाकुर TC जी बता रहे हैं, ठाकुर KC जी सॉरी, विनय कुमार जी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कलीराम जी, शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामलाल जी, गुलाब तुरी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बलवीर सिंह जी का स्वागत है, गुम्मा से वो जुड़े हैं ठियोग से। बिंदिया ठाकुर जी का स्वागत, जितेंद्र अत्री जी का स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को मौसम की जानकारी मिले और हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में, पिछले 15 दिनों में और पिछले 1.5 महीने में कितनी बारिश हुई, तो उसका हमने आपको विस्तार से जानकारी भी दी है। राजपूत माला ठाकुर जी सोलन से, शिमला से जुड़ गई तो उनका हम स्वागत करते हैं। मौसम विभाग का जरूर ऑरेंज अलर्ट इस बार जारी हुआ है 4 जिलों के लिए। वो है रविवार के लिए, उसमें बिलासपुर है, कांगड़ा है, मंडी है और चंबा जिला है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट, लेकिन किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया। तो पंजाब केसरी TV में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी TV।